गैस सिलेंडर है, मैं आपको क्लोजअप करके दिखाता हूँ। साइकिल के पैंडल तो मीनाक्षी मंदिर, और इसमें भी सारी वेस्टेज यूज हुई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैसा व्यूज। दोस्तों, आज हम आ गए हैं पंजाबी बाग भारत दर्शन पार्क। तो आज आपको पार्क के दर्शन कराते हैं, तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। चलो चलिए पार्क। फ्रेंड्स, हमने टिकट ले लिया है और एक टिकट जो है वो 200 रुपए का है, और ये देखिए ये टिकट है। फ्रेंड्स, हम पार्क में एंटर कर चुके हैं। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, ये SDMC का बनवाया हुआ है। तो दोस्तों, ये जो पहली रिप्लिका हमारे पीछे है, ये है बम्बई का गेटवे ऑफ इंडिया। बम्बई नहीं, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया दिल्ली के अंदर। आप देख सकते हैं कितना शानदार बनाया हुआ है। चलो आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये जो दोस्तों आप ऊपर देख रहे हैं, ये टायर लगाए हुए हैं सारे, साइकिल के टायर हैं। मतलब कमाल का इस्तेमाल किया हुआ है टायरों का। अगर आप थक जाते हैं तो यहाँ पर आपकी थकान उतारने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। बिल्कुल साफ़ सुथरी सीट्स हैं। देखिए दोस्तों, बेंच कितनी शानदार बेंच है, बहुत बढ़िया। मतलब अगर आप थक भी जाते हैं तो आपको ऐसी टेंशन नहीं होगी कि हम बैठे कहाँ पर। ये है दोस्तों वट वृक्ष, और इसमें सिलेंडर पाइप्स ऐसा मटेरियल यूज़ किया हुआ है। अगर आप ऊपर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये गैस सिलेंडर है। मैं आपको क्लोजअप करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों जयपुर का हवा महल। आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या यूज़ किया हुआ है, ट्रक्स के पार्ट्स और ऐसे ही दूसरे जो लोहे के वेस्टेज हैं वो सब पार्ट यूज़ किया हुआ है। ये है दोस्तों गोल गुंबज, और मैं दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये जो आप बीच में देख रहे हैं रेलिंग्स टाइप की है, जो इसमें साइकिल के पैंडल इस्तेमाल किए हुए हैं। ये देखिए दोस्तों साइकिल के पैंडल्स। ये सामने सोलर पैनल को कितना खूबसूरत डिजाइन दिया हुआ है, उसको भी फूलों की तरह बना दिया है। ये है दोस्तों नालंदा, और इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या पार्ट्स यूज हो रखे हैं। एंगल्स और जितनी बाकी वेस्टेज हैं वो सब इसे बनाने में यूज हुई हैं।
ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं सामने, ये सारे लोहे के एंगल्स यूज हुए हैं इसमें। ये है दोस्तों मीनाक्षी मंदिर, और इसमें भी सारी वेस्टेज यूज हुई है, जैसे आयरन कास्टिंग, बर्तन, और आप देख रहे हैं कितना बारीक काम है इसमें। सबसे ज्यादा टाइम तो इसमें स्टैचूज बनाने में लगा होगा, कितना बारीक काम है। यह दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर की रिप्लिका, और इसमें आप ऊपर देख रहे हैं क्या इस्तेमाल हुआ है। ऊपर गियर है, शायद साइकिल के पार्ट्स हैं। दोस्तों ये है मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर, और आप देख सकते हैं कि रिप्लिका कितनी सुंदर बनाई हुई है। जितना सुंदर असली मंदिर है, तकरीबन उतनी ही सुंदर रिप्लिका है। दोस्तों अब हम आप पहुंचे हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर। सही बताऊं तो मुझे भी अनुमान नहीं था कि हमारे देश में इतने सुंदर सुंदर मंदिर हैं या इतनी सुंदर सुंदर जगह है। और जब से मैंने यहां पर इन रिप्लिकाओं को देखा है, तब से मेरे अंदर एक इच्छा जाग उठी है कि मैं असली मंदिर भी जाकर देखूं। आपको एक बार भारत दर्शन पार्क जरूर आना चाहिए। आप पूरे हिंदुस्तान में तो नहीं घूम पाएंगे, पर आपको यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के दर्शन हो जाएंगे, और मज़े की बात आपके पैसे भी बच जाएंगे। अब देखिए दोस्तों गुजरात के जूनागढ़ में कितनी शानदार इमारत है, और यहाँ पर पार्क में भी उसकी रिप्लिका किसी भी तरह से कम नहीं है। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा खुद तो देखें, अपने परिवार को दिखाएं और दोस्तों को भी दिखाएं, ताकि उनको भी पता लगे कि हमारे देश में कितनी सुंदर सुंदर जगह है। और देखिए दोस्तों सांची का स्तूप, इसका तो मैंने नाम भी नहीं सुना था, यहाँ आने के बाद ही मुझे इन सब बातों की जानकारी हुई। दोस्तों घूमते घूमते काफ़ी थक गए हैं। ये जो पार्क है इसको वेस्ट टू वंडर से इंस्पायर होकर बनाया गया है, पर वेस्ट टू वंडर में कम रिप्लिकाएँ हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिप्लिकाएँ हैं। घूमते घूमते थकान हो गई है, आज सुबह भी वर्कआउट ज़्यादा ही हो गया था, भूख भी लग गई है। देखते हैं रास्ते में कुछ खाने को मिल जाए तो, खाने को या चाय कॉफ़ी कुछ। मैं असली स्ट्रक्चर भी आपको दिखाता जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि कितना बारीकी से काम हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर आने से पहले मैंने कभी भी हम्पी रथ का नाम नहीं सुना था, और यहाँ पर आकर देखा कि ऐसी भी कोई जगह है हिंदुस्तान में। देखिए दोस्तों ये है ताजमहल। हालांकि ताजमहल को एक आश्चर्य माना गया है, पर मेरे विचार से हमारे देश के अंदर ताजमहल से भी ज़्यादा अच्छी और हैरान करने वाली रचनाएँ हैं। और वीडियो बनाने के साथ साथ हम पार्क को इंजॉय करना भी नहीं भूले। आप भी आओ तो कोशिश करो कि परिवार को साथ लेकर आओ, क्योंकि दोस्तों ये परिवार के लिए ही जगह है। ये है तेलंगाना का चार मीनार। अब मैं आपको हर जगह की सिर्फ सुंदरता ही दिखा सकता हूँ। अगर मैं आपको हर जगह का इतिहास बताऊँ तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आप कोणार्क मंदिर की रिप्लिका को असली से मैच करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा।
रिप्लिका बनाते समय हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखा गया है। ये देखिए दोस्तों मेरी फेवरेट रिप्लिका द स्लीपिंग बुद्धा। काश दुनिया महात्मा बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चल सके तो पूरी दुनिया में शांति ही शांति हो। पूरे देश में ऐतिहासिक मंदिरों की मूर्तियां आपको खंडित ही मिलेगी। इसके पीछे की वजह जानने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इसकी वजह जान लेंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। बाहर जाते समय हमसे पार्क के बारे में फीडबैक मांगा गया और हमें पार्क वाकई में बहुत अच्छा लगा।